नमस्कार, आप जो रहा छो वीटीवी न्यूज, हूँ छू आपनी साथे हिरल मेहता। विगतवार समाचारों थी शुरुआत करिए तो गुजरात में ठंडी वच्चे वरसाद नी संभावना छे। राज्य में बे दिवस कमोसमी वरसाद नी आगाही करवामां आवी छे, त्यारे अमदावाद शहर अने ग्राम्य में वरसादी माहौल रहेशे। बे दिवस सौराष्ट्र अने कच्छ में पण वरसादी मावठू पड़शे। राज्य में 48 कलाक सुधी ठंडीनुं जोर रहेशे यथावत। दरिया किनारे झड़पी पवन फूंकावानी शक्यता ने लईने तंत्र एलर्ट मोड पर आवी गयुं छे। माछीमारोने दरियो नहीं खेडवा माटे सूचन पण अपाया छे। सौराष्ट्र कच्छ में, कच्छ में एक्सपेक्ट करें भावनगर साइड में, थोड़ा ईस्टर साइड में सौराष्ट्र कच्छ में, और पूरा गुजरात में भी सेंट्रल गुजरात, ईस्टर्न गुजरात में लाइट रेन का चांसेस हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अहमदाबाद में अभी देखो रेन नहीं दिए अभी, बट क्लाउडिंग तो रहेगा अभी। जो जैसे आप देख रहे हैं आज भी हमारा मिनिमम टेम्परेचर जो है वो भी राइस हो गया जो मॉइस्चर की वजह से, तो लाइट रेन का चांस नहीं है, फिर भी क्लाउडिंग रहेगा यहाँ पे एक दो दिन के। अभी देखा जाए हमारे जो नॉर्मल मिनिमम टेम्परेचर है अभी दो दिन में बहुत राइस आ गया। जैसे नलिया में 9 डिग्री था दो दिन पहले, अभी 19 तक आ गया। अभी ऐसे टेम्परेचर राइस हो रहा है तो वो भी टेम्परेचर मॉइस्चर आ रहा है, इसलिए हमारा मिनिमम टेम्परेचर जो सब राइस हो गया। और ये जो टेम्परेचर है अभी एक दो दिन के लिए नॉलेज चेंज है, मतलब ज्यादा फर्क नहीं होने वाले, बट डे टू के बाद, डे टू से हम 4 से 6 डिग्री और फॉल होने का चांसेस है। जो मिनिमम टेम्परेचर है फॉल हो जाएंगे, जैसे अहमदाबाद में अभी 16-17 चल रहा है, वो अभी 10-11-12 के बाद।